नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट पे। देखिए, आज सैटरडे और वीकेंड आने वाला है। वीकेंड पे सब लोग कोशिश करते हैं कि अपना काम निपटाएं और जो मूवीज छूटी हुई हैं या फिर जो फिल्में छूटी हुई हैं उनको देख लें। लेकिन कई बार कुछ ऐसा होता है कि आपके वॉच लिस्ट जो होती है ना, वो कभी एक वक्त पे जाके खत्म हो जाती है और लोग सोचने लगते हैं कि अब इस वीकेंड में क्या देखा जाए। इसलिए हम अपना एक सेगमेंट लेके आए हैं, व्हाट टू वॉच। इसमें हम आपको हर वीकेंड पे बताएंगे कि इस वीकेंड पे आप क्या देख सकते हैं। हम इसमें हॉलीवुड की फिल्में बताएंगे आपको, साउथ इंडियन फिल्में बताएंगे आपको, हिंदी फिल्में बताएंगे, बॉलीवुड की बताएंगे, जो इस हफ्ते की सबसे बेहतरीन 5 या 6 जो फिल्में रही होंगी उनके बारे में आपको बताएंगे। और आज हम आपको उसी सेगमेंट के बारे में और भी ज़्यादा बताएंगे और आपको फिल्मों से इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें वेब सीरीज़ भी होती है हमारी, इसमें मार्वल की कॉमिक्स मूवीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी सबसे पहली वेब सीरीज़ होगी इनसाइड H3। जी हाँ, Amazon Prime की वेब सीरीज है, इसका तीसरा सीज़न जो है वो आ चुका है। अगर आप इनसाइड एज के फैन हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि इनसाइड एज आ चुका है। अगर आपने ये सीरीज़ को नहीं देखा, अगर आपने इस वेब सीरीज़ की सीरीज़ को नहीं देखा तो आप जाइए, इसे जाकर Amazon Prime पे देख सकते हैं, अवेलेबल है। अगर आपको गेम पॉलिटिक्स क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, अगर आपको क्रिकेट में पॉलिटिक्स अच्छा लगता है, अगर आपने अजहर जैसी फिल्में देखी हैं तो आपको ये फिल्में भी अच्छी लगेंगी। तीसरे जो बात करें तीसरी सीज़न की, तो जो तीसरा सीज़न वो अभी भी इसका रिलीज़ हुआ है और ये तीसरे सीज़न में इंटरनेशनल क्रिकेट तक भी पहुँच गए, तो इसमें पॉलिटिक्स भी आपको देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, सस्पेंस देखने को मिलेगा। और अगर आप इन सभी चीज़ों को देखना पसंद करते हैं तो ये वेब सीरीज़ आपके लिए सबसे बेहतरीन होगी। हमारी जो दूसरी फिल्म है या फिर सीरीज है, उसका नाम है बॉब विश्वास। बॉब विश्वास जो है G5 पे रिलीज हुई है। इस फिल्म को काफी ज्यादा लोगों से अच्छा रिव्यू मिल रहा है। यह फिल्म थ्रिलर है, सस्पेंस है, क्राइम ड्रामा होगी ये फिल्म। अगर आपको क्राइम देखना पसंद है, सस्पेंस देखना पसंद है तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। बताया जाता है कि ये फिल्म रियलिटी पे बेस्ड है। इसमें बताया कि कैसे कॉमन मैन जो कि एक किलर होता है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है, अपने टारगेट्स को एग्जीक्यूट करता है। इसमें अभिषेक बच्चन ने काफी बेहतरीन एक्टिंग की है। अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो आप G5 पे जाके इसे देख सकते हैं और इस फिल्म को काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दृश्यम 2 पे। हालांकि आपने दृश्यम तो देखा होगा, लेकिन वो दृश्यम जो बनी थी वो मलयालम में बनी थी, लेकिन अब ये जो दृश्यम आई है वो तेलुगु में आई है। जी हाँ, वेंकटेश जो कि बहुत ही फेमस साउथ इंडियन एक्टर हैं, उनकी ये फिल्म, उन्होंने इस फिल्म का जो फिल्म की जो सेकंड सीज़न है, यानी सेकंड जो मूवी आई थी दृश्यम 2 साउथ इंडिया में, उसका दोबारा से डब बनाया है। लेकिन इस फिल्म में उनकी काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग है, इस फिल्म में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से एड ऑन भी किया है, तो अगर चाहें तो इस फिल्म को जाके देख सकते हैं। तो ये जो तीन फिल्में या फिर वेब सीरीज़ का है, ये जो तीन वेब सीरीज़ थी या फिर जो फिल्में थी, वो थी हमारी इंडियन फिल्में। अब थोड़ा सा हॉलीवुड का भी तड़का लगा लेते हैं अपने वीकेंड पे। अगर आप जेम्स बॉन्ड देखना पसंद करते हैं, अगर आपको जासूस वाली फिल्में अच्छी लगती है, अगर आपने मिशन इम्पॉसिबल देखा है, अगर आप ऐसे सस्पेंस वाली फिल्में देखना पसंद करते हैं जिसमें जासूसी होती है, लोग मारपीट होती है, क्राइम होता है, ड्रामा होता है, एक्शन होता है, तो आप जेम्स बॉन्ड की जो नई फिल्म आई है नो डाई टू टाइम, इसे जाकर देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन मूवी है ये। इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले हैं। ये फिल्म आपके नियर बाई थिएटर्स में भी लगी हुई है, आप वहाँ पे भी जाके इस फिल्म का आनंद उठा सकते हैं। वही अगर आपको मार्वल जैसी फिल्में देखना, मतलब आप एक्शन हीरोज़ को देखना पसंद करते हैं, आप DC देखते हैं, आप मार्वल देखते हैं, आपको सुपरमैन अच्छा लगता है, आयरन मैन अच्छा लगता है, तो आप ऐसी भी फिल्में देख सकते हैं। Disney+ Hotstar पे नई मार्वल की सीरीज़ आई हॉकआई। जी हाँ, आप अगर एवेंजर्स देखते हैं, अगर आप मार्वल देखते हैं, तो आप हॉकआई नाम से बिल्कुल वाकिफ होंगे। हॉकआई जो है वो रिलीज़ हो चुकी है, इसके 2 एपिसोड्स आ चुके हैं Disney+ Hotstar पे, आप इसे जाकर देख सकते हैं। तो ये थी हमारी 5 फिल्में जिसे आप, या फिर वेब सीरीज़ कह लें, जिसे आप इस वीकेंड में देख सकते हैं। इसके अलावा भी मनी हाइस्ट की जो बाकी बची सीजन्स थी वो भी रिलीज़ हो चुकी है, मैंने सोचा आपको बता दूं। वैसे अगर आप मनी हाइस्ट के फ़ैन होंगे तो आपको ये बहुत पहले से ही पता होगी और इंस्टाग्राम पे या फिर हर एक सोशल मीडिया पे ये बात तो चली रही है। तो ये जो कुल मिला के 5 या 6 जो फिल्में थी उसे आप वीकेंड पे देख सकते हैं अपने, और ये बहुत ही बेहतरीन फिल्में थी जो आपको कभी बोर नहीं करेंगी। इंटरेस्टिंग है, क्राइम है, ड्रामा है, थ्रिलर है, और सब कुछ मिलेगा इसमें। आप जाइए देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में आगे बताइए कि आपने कौन सी फिल्म देखी और उस फिल्म में आपको क्या अच्छा लगा। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।